Now we will continue practice set 6.4, it is row number 1. So the first question here, simplify m square minus n square upon m plus n whole square into m square plus mn plus n square upon m cube minus n cube. अभी तुम लोग ऑलरेडी इसके पहले क्लास में सीख लिया तुम लोगों को फॉर्मूला ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर? दैट इज ए प्लस बी ए माइनस बी. ठीक है, और ये देखो ये ए प्लस बी होल स्क्वेयर फॉर्म में है ना. एम प्लस एन होल स्क्वेयर मीन्स ए प्लस बी होल स्क्वेयर, दैट इज ए स्क्वेयर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वेयर. दीज आर ऑल फॉर्मूलाज, दिस यू फॉरगेट लाइक दैट ओनली, राइट? दिस इज एन क्यूब माइनस एन क्यूब, दैट इज ए क्यूब माइनस बी क्यूब. ओके, what is the formula for a cube minus b cube? That is a minus b a square plus ab plus b square. According to this formula we'll substitute this value now. m square minus n square, iska matlab kya hai? Idhar a ka jagah m hai, b ka jagah n hai, to a plus b a minus b, which is a is a m b is n, that is why you can write this is a plus b and a minus b means m plus n and m minus n. Okay, iska niche likho m plus n whole square, iska matlab a plus b whole square formula mein hai. So a square means m square, 2 into a into b, 2 into m into n plus b ka matlab n, n square. Same formula you write down, this is m square प्लस टू एम एन प्लस एन स्क्वेयर इन टू. अभी ये सेम ऐसे लिखो एम स्क्वेयर प्लस एम एन प्लस एन स्क्वेयर अपॉन. अभी इधर एम क्यूब माइनस एन क्यूब, राइट है? ये फॉर्म में है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब. उसका फॉर्मूला क्या है? ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर. इधर ए का मतलब क्या है? ए का मतलब एम, बी मीन्स एन. सो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला ए माइनस बी, इसका मतलब एम माइनस एन, एंड ए स्क्वेयर मीन्स एम स्क्वेयर प्लस एम एन प्लस एन स्क्वेयर. ओके, दिस इज योर रफ कॉलम. नाउ विच वन यू कैन कैंसिल? एम स्क्वेयर प्लस एम एन, ये न्यूमरेटर में है, ये डिनोमिनेटर में, ये तुम लोग कैंसिल कर सकते हो. ठीक है, अभी इधर देखो ये m माइनस एन, ये मल्टीप्लाई साइन है ना बीच में, ये तुम लोग कैंसिल कर सकते हो. m माइनस एन कैंसिल हो गया, तो बचा क्या है? इधर इधर ऊपर बचा m प्लस एन, नीचे बचा m स्क्वेयर प्लस टू एम एन प्लस एन स्क्वेयर. अभी हम लोगों कैसे भी कैलकुलेट करने को नहीं होता है, क्यों? दिस इज m प्लस एन, दो टर्म में है, इधर तीन टर्म में है. अभी ये देखो ये तुम्हारा कौन सा फॉर्म में है, देखो रफ ओक में लिखो एम स्क्वेयर मीन्स एम प्लस एन होल स्क्वेयर का फॉर्म में है क्या? देखो मीन्स ए प्लस बी होल स्क्वेयर का मतलब क्या है? ए स्क्वेयर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वेयर. अभी ए स्क्वेयर मीन्स एम स्क्वेयर, टू ए बी मीन्स टू इंटू एम इंटू एन प्लस एन स्क्वेयर. अभी तुम्हारा कौन सा फॉर्म में आया? एम प्लस एन, ऊपर एम प्लस एन आएगा, नीचे आएगा ए फॉर्म, मीन्स ये हमारा एक्सपांडेड फॉर्म है, और उसका ये ए प्लस बी होल स्क्वेयर का फॉर्मूला ये है. इसके लिए एम प्लस एन होल स्क्वेयर का फॉर्मूला एम स्क्वेयर प्लस टू एम एन प्लस एन स्क्वेयर. ठीक है, अभी हम लोग कितना बार लिखेंगे एम प्लस एन होल स्क्वेयर, राइट है? अभी इसमें कितना है? इसमें एम प्लस एन एक बार, इसमें एम प्लस एन दो बार है, तो इसका इसका एक बार कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या है? वन अपॉन एम प्लस एन, ये तुम्हारा आंसर. ओके, अभी हम लोग जाएंगे सेकेंड सम में. सेकेंड सम सेज, देखो इधर ए स्क्वायर प्लस टेन ए प्लस ट्वेंटी वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस सिक्स ए माइनस सेवन इंटू ए स्क्वायर माइनस वन अपॉन ए प्लस थ्री. अभी तुम लोगों ने लास्ट क्लास में सीख लिया, ये देखो ये हमारा ए स्क्वायर प्लस टेन ए प्लस ट्वेंटी वन,
अभी इसका फैक्टराइजेशन फाइंड आउट करना। तुम लोगों को मालूम है फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, तो मल्टीप्लाई करो, 21 ए स्क्वायर आया, ठीक है। बीच का टर्म क्या है, 10 ए। अभी मल्टीप्लाई करते टाइम 21 आना चाहिए, कौन सा नंबर मल्टीप्लाई किया वो ऐड किया तो 10 ए आना चाहिए। ओके, फॉरगेट अबाउट ये, 10 आना चाहिए, ठीक है। हाँ, अभी कौन सा नंबर को मल्टीप्लाई किया तो 21 आएगा। देखो 21 मीन्स 7 थ्रीज आएगा, 7 थ्रीज आ 21, 7 और 3 को ऐड करो कितना आएगा, 10 आया। सो तुम लोगों मालूम है ए स्क्वेयर प्लस 7 ए प्लस 3 ए प्लस 21। अभी इसमें कॉमन ले लो, ये कॉमन है, ए प्लस 7 आया इसमें। अभी मैंने पहले तुम लोगों बोला ब्रैकेट में सेम आंसर मिलना चाहिए, सेम मिलने के लिए मैं इधर 3 का टेबल में 21 आता है, 370। ओके, इसके लिए मैं क्या निकालती हूँ, 3 बाहर निकालती हूँ, तो बचा हुआ क्या है, ए प्लस 7। तो ब्रैकेट का अंदर सेम आंसर यू गॉट, द रिमेनिंग नंबर ए प्लस 3 एंड ए प्लस 7, ठीक है। अभी इसका आंसर क्या आया हमारा, ए प्लस 3 एंड ए प्लस 7, दैट इज हियर यू राइट डाउन, दिस इज ए प्लस 3 एंड ए प्लस 7 अपॉन। अभी इसका फाइंड आउट करो, सेम मेथड में इसका फैक्टराइज करो। अभी सेकेंड टर्म है ए स्क्वायर प्लस 6 ए माइनस 7, दैट इज फर्स्ट एंड लास्ट टर्म मल्टीप्लाई करो, दैट इज माइनस 7 आएगा। उसको कौन सा दो नंबर मल्टीप्लाई किया तो 7 आना चाहिए, वो ऐड किया तो 6 आना चाहिए, तो 7 वन ज़ा 7 आएगा, तो 7 इंटू 1। तो देखो इधर बड़ा नंबर का साइन क्या चाहिए, प्लस चाहिए, तो प्लस एंड माइनस, प्लस 7 माइनस 1 आंसर विल बी 6। सो अगेन यू राइट ए स्क्वेयर प्लस 7 ए माइनस 1 ए माइनस 7, दैट इज कॉमन निकालो, ए ए प्लस 7 एंड इधर माइनस 1 ले लो क्योंकि ब्रैकेट के अंदर प्लस 7 आना चाहिए। तो बचा क्या है अपना, ए प्लस 7 बोथ आर सेम एंड ए माइनस 1। हियर यू कैन राइट ए प्लस 7 एंड ए माइनस 1 इन टू, दिस ऑल आर रफ वर्क, ए स्क्वेयर माइनस 1 स्क्वेयर। इसका मतलब क्या है, दिस इज ए स्क्वेयर माइनस 1 स्क्वेयर, दिस इज ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। इसका फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी ए माइनस बी, अदरवाइज यू राइट डाउन या ए स्क्वेयर माइनस 1 स्क्वेयर, दैट इज ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, दैट इज ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। अकॉर्डिंग टू ए प्लस बी ए माइनस बी क्या है, इधर हमारा ए बोला तो ए, बी बोला तो 1, राइट है। ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, इसको ए प्लस सॉरी ए प्लस 1 लिखो एंड ए माइनस 1 लिखो, नीचे का नंबर ए प्लस 3। ओके, अभी कैंसलेशन होता है, देखो ये हमारा ए प्लस 3 ए प्लस 3 कैंसिल हो गया, ए माइनस 1 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या है इधर, ए प्लस 7 ए प्लस 7 दिस आल्सो कैंसिल, सो व्हाट इज रिमेनिंग, या ओनली ए प्लस 1 इज द आंसर। नाउ विल गो टू थर्ड सम, थर्ड सम इज गिवन या 8x³ माइनस 27y³। ओके, रफ वर्क में पहला सॉल्व करो उसके बाद इधर सब्स्टिट्यूट करो। अभी 8x³ माइनस 27y³, ये अभी हम लोगों ने सॉल्व किया था। 8 बोलना तो कौन सा नंबर का क्यूब है, 2 का, राइट है। 2x³ माइनस ये 3 का, 3y³। अगेन सेम फॉर्मूला यूज, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, दैट इज ए क्यूब माइनस बी क्यूब, दैट इज ए माइनस बी एंड ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। वॉट इज अवर ए, ए इज इक्वल टू 2x, बी इज इक्वल टू 3y, देयरफॉर ए मीन्स 2x माइनस 3y एंड ए स्क्वेयर, ए स्क्वेयर का मतलब 2x स्क्वेयर प्लस ए बी, ए बी का मतलब 2x इंटू 3y, दैट इज डायरेक्टली आई एम राइटिंग 3 2 6 6xy प्लस बी स्क्वेयर, मीन्स बी का वैल्यू क्या है 3y, 3 इंटू 3 9y स्क्वेयर। सो डायरेक्टली यू कैन सॉरी दिस इज वन मोर टर्म इज देयर, दैट इज 4x स्क्वेयर माइनस 9y स्क्वेयर। ओके, दिस इज द क्वेश्चन,
अभी ऊपर का आंसर आया हम लोगों, कितना आया 2x-3y एंड अभी 2x² उसका वैल्यू है 4x² प्लस 6xy प्लस 9y² देन डाउन यू हैव टू राइट 4x² - 9y² व्हाट इज दैट फॉर्मूला फॉर दिस 4x² - 9y² इसको तुम लोग क्या करो, ये 2 कौन सा नंबर का स्क्वायर है, 2 का राइट है 2x² - 3y² अभी ये तुम लोगों को फॉर्मूला मालूम है a² - b² व्हाट इज द फॉर्मूला a² - b² का फॉर्मूला है a+b and a-b अभी अपना ये बोला तो 2x है b बोला तो 3y therefore 2x + 3y and 2x - 3y द सेम वैल्यू सब्स्टिट्यूट हियर दिस इज 2x + 3y 2x - 3y अभी इधर भी 2x - 3y है 2x - 3y कैंसिल हो गया इन न्यूमरेटर में क्या बचा 4x² + 6xy + 9y² / 2x + 3y ये तुम्हारा आंसर। नाउ वी विल गो टू फोर्थ सम। फोर्थ सम इज गिवन हियर x² - 5x - 24 / x + 3 x + 8 into x² / 64 / x - 8² अगेन सेम मेथड यूज करो अभी x² - 5x - 24 इसका फैक्टर फाइंड आउट करो 24x² आ जाएगा फर्स्ट एंड लास्ट मल्टीप्लाई किए तो बीच का वैल्यू 5-5 आना चाहिए -24 नाउ 8 3 24 आता है ठीक है अभी बड़े नंबर का साइन माइनस चाहिए तो हम लोग माइनस साइन डालेंगे अभी +3 - 8 देखो -8 से +3 - करो कितना आया -5x तो डायरेक्टली कैन राइट x² - 8x - 3x - 24 अभी कॉमन निकालो x² - में x कॉमन है तो x - 8 आया अभी बीच में भी मेरे को ब्रैकेट के अंदर x - 8 आना चाहिए तो मैं क्या निकालूं बाहर इधर 3 निकालो तो x - 8 बोता माइनस नाउ ये देखो x - 8 आया ना सो दिस इज +3 दिस इज x - 8 नाउ व्हाट इज रिमेनिंग नाउ x - 8 दोनों x - 8 आया उसमें एक निकालो एंड रिमेनिंग x + 3 ठीक है अभी इधर सब्स्टिट्यूट करो दैट इज x + 3 and x - 8 हो गया नेक्स्ट नीचे आ जाओ नीचे सेम वैल्यू है हमको टेंशन नहीं है x + 3 and x + 8 इंटू अगेन x² - 64 64 कौन सा नंबर का स्क्वायर है 64 हमारा 8 का स्क्वायर राइट है तो x² - 64 मतलब x² - 8² तो अभी ये कौन सा फॉर्म में है a² - b² a² - b² मीन्स a+b and a-b अगेन सेम प्रॉब्लम x + 8 and x - 8 अभी इधर x - 8 इधर दो बार है तो x - 8 and x - 8 ठीक है अभी देखो x + 8 and x + 8 ये कैंसिल हो गया x - 8 ये x - 8 कैंसिल हो गया और क्या बचा इधर x + 3 कैंसिल हो गया देन हियर आल्सो x - 8 इधर आल्सो x - 8 सब कैंसलेशन हो जाता है आंसर क्या बचा 1